गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी में कि हम पुष्प में आपके व्यायाम या आपके गायनोशियम जो पुष्प होता है, पुष्प में जो गायनोशियम वाला पार्ट होता है वह पुष्प का आपका फीमेल पार्ट होता है। जो फीमेल पार्ट होते हैं वह नीचे की तरफ आपके थैलमस वाला होता है जो आपका हरा बाल दिखाई देता है, ये बीच में कुछ अंडाकार संरचना पाता है जिसको ओवरी कहते हैं और ये पतला बाल होता है जिसको स्टाइल कहते हैं और सबसे ऊपर की तरफ आपका स्टिग्मा होता है वर्टिका ग्र कहते हैं। तो ये हमारा गायनोशियम वाला पार्ट है। इसमें जो छोटी इसकी इकाई होती है वह आपके लार्वेट या अंडक उसको कहते हैं। कई अंडक मिलकर आपके ये गायनोशियम का निर्माण करते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है आपके न्यूरोकार्पेलिन या एकांडती। जाया केवल एक अंडा का यदि बना हो तो वह आपके मोनोकार्पेलिन कहते हैं। जैसे जो आपके रनकुलस होता है या रनकुलेसी फैमिली होता है उसमें आपके मोनोकार्पेलिन पाए जाते हैं। उसके बाद होता है आपके मल्टीकार्पेलिन या बहुअंडकी। बहुअंडकी में इसमें अनेक अंडा उष्पाशन के चारों ओर स्थित होते हैं। जैसे आपके ये जो अंडा होते हैं वह अंडा उष्पाशन जो थैलमस है उसके चारों ओर होते हैं। तो ये आपके मल्टी कार्पेलिन कहते हैं। इसमें ये दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपके हिप्पोकार्पस या पृथकांडपी। जब जो कार्पेट होते हैं वह कार्पेट पृथक हो वह अलग अलग हो तो वह आपके मोनोकार्पेलिन होता है। जैसे आपके रनकुलस में और सिंह कार्पस पड़ते हैं जो आपके अंडक होते हैं, जो आपके कार्पेट होते हैं यदि वह जुड़े हुए हो तो वह आपके सीख कार्पस होते हैं। जैसे आपके गुड़हल फैमिली आपके मालवेसी में जो गुड़हल का पुष्प होता है वहां पर ये कार्पेट आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। यहां पर जो सीख कार्पस होता है उसका हम अनुदय काट द्वारा दिखा रहे हैं। इससे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ आपके थैलमस वाला भाग है, ये वाला भाग आपके लैक्यूल कहलाता है और कहीं पर ये छोटे छोटे कुछ गोले पाए जाते हैं जिसको ओवेल कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों कार्पेल आपस में ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम मल्टी कार्पेलिन में आपके सीम कार्पस जो होता है जो आपस में जुड़े हुए कार्पस इसीलिए इसको हम सीम कार्पस कहते हैं। गायनोशियम के विषय में जो पुष्प होता है पुष्प के जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम गायनोशियम कहते हैं, जिसमें आपके कार्पस होते हैं। जो गायनोशियम होता है उसमें नीचे की तरफ आपके थैलमस वाला भाग, ऊपर की तरफ कोई चौड़ा भाग होता है जिसको आप ओवरी कहते हैं, इससे पतला भाग आपका स्टाइल होता है, सबसे ऊपर आपके स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, ये आपके मोनोकार्पेलिन होता है। कार्पेल की संख्या यदि एक है तो उसको मोनोकार्पेलिन कहते हैं और यदि कार्पेल की संख्या दो से अधिक है उसको मल्टीकार्पेलिन कहते हैं। ये जो कार्पेल होता है यदि वह अलग अलग है इसको आप एकोकार्पस या पृथकखंड भी, और यदि कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं इसको सीम
कार्ड पर चलते हैं। ये फिगर में भी देखिए फेस पर जो भी कार्ड रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद होता है आपके ओवरी, ओवरी जिसको अंडाशय कहते हैं, ठीक, जो फीमेल पार्ट होता है उसके जो चौड़ा वाला भाग होता है वही आपके अंडाशय होता है। अंडाशय में आपके सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब यह है कि अंडाशय के नीचे से आपके पैनिक गरोड़ा और एंड्यूसियम निकले हुए हो तो वह आपके ओवरी आपके सुपीरियर होता है। इंफीरियर मतलब यह होता है कि ये अंडाशय के नीचे के बाद जो भी आपके ये कुछ के अन्य भाग पाए जैसे मैंने भीष्म पाले हैं या ऊपर पाले हैं तो उस समय वो भी आपके इंफीरियर होता है। फ्लोरा फार्मूला या कुछ इसमें ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कुछ के नीचे से यदि पत्ती के तरह की आपकी संरचना है तो वह ब्रैकेट है, यदि नहीं पाया जा रहा है तो वह आपके ही ब्रैकेट होता है। इसमें देखते हैं फीमेल के लिए ये चिन्ह होता है, फीमेल के लिए ये चिन्ह होता है और बाइसेक्सुअल के मतलब आपके मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी कहते हैं। ये आपके चौथा
ये कुर्सी फार्म होता है एक पर ये फैमिली आते हैं कुर्सी फेरी में ही पा जाते हैं। उसके बाद होता है आप कितने हैं या परिवर्तन परिवर्तन वेरिएंट की बात है कि जो आपके कैलिंग होता है और जो करुणा होता है उसमें डिफरेंस नहीं हो पाता। जैसे फैमिली आप बीपीएससी में चले जाइए प्याज के लेंगे लहसुन लेंगे तो उसके जो भी आप उसको देखते हैं उसमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन सा आपके कैदी से और कौन सा आपका करोड़ा है। तो उसको हम डिफेंस न करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं फेरियम या परिवर्तन। उसके बाद होता है आपके एंटीसियम एंटीसियम यदि थ्री है इसके हिसाब से थ्री है तो आप एक भी नोट करेंगे जो भी संख्या लिखेंगे यदि आपके ये जुड़े हुए हैं तो आप यूनाइटेड सम यानी ये ब्रैकेट में लिखते हैं ये पीटी पैटर्न यानी जो आपके करोड़ा और एंगुलियम होता है एंगुलियम यदि करोड़ा से वह जुड़ा हुआ है या स्टामेन आपके जो पेटर होता है पेटर से ये जुड़ा हुआ है इसके जो हम ईपी पेटर्न कहते हैं। और ये पेरियम या फिर एंगुलियम है तो पेरियम यानी ये जो आपके स्टामेन है वह स्टामेन से पेरियम से जुड़ा हुआ है तो वह आपके ईपी की रंग का आता है। पेरियंट जिससे हम बताए गए जो पेरियंट होता है वह आपके शरीर का करोड़ा का ही मॉडिफाइड रूप है या उसकी हम पहचान नहीं कर सकते इसलिए उसको हम पेरियंट कहते हैं। उसके बाद यदि डायनोसियम है या जो आपके स्टॉमिक है वो फ्री है तो इसको हम एको कार्पस लिखते हैं। तो एको कार्पस से हम केवल डायनोसियम की संख्या ले लेंगे और यदि जुड़ा हुआ है तो इसको हम तीन कार्पस कहते हैं वर्किंग कार्पस कहते हैं इसको ब्रैकेट में यदि लिखते हैं तो आपके तीन कार्पस होता है। और यदि वो भी आपके सुपीरियर से यानी जो भी आपके अन्य आते हैं यदि उसके अन्य भाग जैसे कैलिस से करोड़ा है एंगुलियम या निकले हुए हैं तो वह आपके ओपरी भाग के सुपीरियर होता है तो वह नीचे नीचे हम बाहर कर देते हैं। और यदि वो भी यदि अंडाशय के नीचे से अंडे कहीं पर भी आपके पुष्प के अन्य भाग है बीच वाले भाग हो या ऊपर वाले भाग हो तो वह अर्थ में जी के ऊपर हम डाट करते हैं तो वहां वो भी आपके इनिटीरियर होता है। फ्लोरो डायग्राम जो भी आप फैमिली लेंगे तो उसको एक चित्र के माध्यम से उसका मानचित्र बना के उसी से हम बता सकते हैं इसमें कैलिस कितना है एंगुलियम कितना है कैलिस करोड़ा एंगुलियम गैलेक्सियम ये सब उसका कैसे उसका एस्टिमेशन है ये सब हमको पता चल जाएगा। तो इसमें यदि हम एक बिंदी दिखा रहे हैं तो वह होगा आपके मदर एक्सिस। मदर एक्सिस होता है कि जो भी पुष्प होते हैं वह पुष्प का वह डायरेक्शन बताता है कि पुष्प कैसा है वह आपके मदर एक्सिस होता है। ये जो सेपल होता है वह कैलिस में सेपल देते हैं जो हरे रंग होता है उसके लिए ऐसे आप चिन्ह बनाएंगे और जो आपके पेटल होंगे पेटल के लिए ऐसे बनेगा और पेटल विद्या नेक्स्ट ऑफ ग्लैंड तो इसमें चक्र वाक्य इसमें डायग्राम ऐसे बना देंगे। और यदि कुछ स्टेमिनोइड है मतलब पुष्प का कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन की प्रक्रिया में
यदि उसने आपके एंड्रोजियम और गायनोजियम बहुत नहीं है तो वह या डांट सकेंगे या उसने एक्स छोटा एक्स लिख देंगे। यदि उसने दाई दिशा से डाइट करती ये आपका हम और मूर्ख की करती है ऐसे ही आप उसको बनाएंगे। जो कार्पेट है कार्पेट की संख्या यदि एक है एवोल्यूशन में और माध्यम डेसिमेशन है तो उसके लिए आप ऐसे फिगर बनाएंगे। और मोनोकार्पेट की डायमेंशन है वेफर प्रेशर प्रेशर से एक ब्रिक बनाकर उसमें डॉट कर देंगे। और बाई कार्पेट की बाई नॉर्मल डायमेंशन विद डिवाइड बाय डेसिमेशन तो आप ऐसे फिगर बनाएंगे। तो हम ये बाई कार्पेट की यूनिलैटरल डायमेंशन में वेफर प्रेजेंटेशन के लिए हमें ऐसे फिगर बनाना होगा। और पेंटा पार्टनरली प्रेजेंट पेंटा ऑफलर डायमेंशन विद एक डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए एक वृत्त बनाने के और उसमें चार पांच गोला बनाएंगे ऐसे। और यानी एक ही बंडल पर बहुत से आके स्टॉमिक लगे हों जैसे फैमिली महावेशी में आप देखते हैं तो उसमें ये आप एक दिन रखकर उसके स्टॉमिक को लगा रहे हैं। और लास्ट होता है तीन जेनिया है दोस्तियां एक रिक्त बनाकर इतने कौन भाग को करेंगे तो ये हमारा तीन जेनिया है दोस्तियां आपका होगा। तो इस प्रकार जो हमारा डायग्राम का वह डायग्राम का जो सिंबल हमको कैसे बनाना है डायग्राम बनाने से पहले जो भी हमको सिंबल बनाना है तो सिंबल ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा और उसी का साथ लिखेंगे। जो हम सिंबल लिखवाए हैं डायग्राम के लिए उसको आपको याद करना है और बता रहे हैं उसके अनुसार आप फिगर बनाएंगे उसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। यह होता है आपके ब्रेन इस पर से आप ब्रेन ब्रेन को लोग ये पत्ती के जो भी फ्लावर का फ्लावर के नीचे यदि पत्ती की तरह की संरचना है तो ये आप रेडिएट लिखेंगे। ये ब्रेन बनाना पड़ेगा यदि नहीं है नहीं बनाएंगे। उसके बाद ये होगा आपका जो सबसे बाहरी भाग है जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं जो आपका हरा वाला भाग है यहाँ पर ये पांच की संख्या में है। और ये आपके गेमोसेफलस से क्योंकि देख रहे हैं कि ये आप ज्यादा जोड़ दिए हैं सभी सेपल को आपस में जोड़े हुए हैं। ये आपके सेपल से तो कैलिक्स वाला भाग है ये आपके करोना है वो आपके गैमो पेटल्स है। तो इसमें जो भी आपके पेटल्स है देखिए ये आपका जोड़ा गया है ये आपके पेटल्स वो आपके गैमो पेटल्स है इससे ये आपका जोड़ा गया है। उसके बाद होता है आपके एंड्रोजियम जो आपके स्टामेंस वाला भाग स्टामेंस वाला भी भाग आपके फ्री है यहाँ देखिए। उसके बाद होता है गैनोमियम ये ओवरी वाला भाग है। ये ओवरी वाले भाग में या रेक्टम है इसमें आपके नाखून है और यहाँ पर गोल गोल जैसे संरचना है इसको हम ओवियोट कहते हैं। यहाँ पे बिंदी हम दिए हुए हैं ये बिंदी ये मदर है जो पुष्प को डायरेक्शन बताता है कि का ये ऊपर की तरफ आपके पोस्टीरियर साइड होता है और नीचे की तरफ आपके एंटीरियर साइड होता है। ये कुछ कहते हैं वह हमारा एक्सिस से ही हम बता सकते हैं।
तो ये है आपके पुत्र का फ्लोग्राम डायग्राम। तो जो भी हमने इस समय तक आपको बताया है, तो जो भी आपको फैमिली पर आ जाएगा तो उस पे पूरा आप फैमिली के जो भी कैरेक्टर हम लिखवाए उसको याद करके उसकी सही से कहां पर कैसे उसकी पहचान करना है वह पूरा आपको याद रखे। थैंक यू।